किस तरह महारत से मिले, आज का उन्वान है। हम जब इंसानों से, लोगों से मिलते हैं, उसे कई तरह तरीके हैं, उन तरीकों को जानना जरूरी है। जैसे ही उन तरीकों को जानते हैं, हमारे मेल जोल में असर आता है और हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम सीखते या किसी चीज को खरीदते किस तरह है। ये भी एक तरीका है सीखने का और चीजें खरीदने का। जब हम चीजें खरीदने जाते हैं तो क्या वजह होती है हम चीजें खरीद लेते हैं, और सीखने जब जाते हैं तो क्या वजह होती है हम सीख लेते हैं। 83% जो हम सीखते हैं या चीजें खरीदते हैं वो देख। 83% हम सीखते हैं देखकर या चीज खरीदते हैं देखकर, यानी जब देखते हैं हम या उसको विजुअल होता है हमारे सामने तो वो 83% हम उसको ले लेते हैं फॉर। हमें चीज अच्छी लगती है हम खरीद लेते हैं, हमारी चीज समझ में आती है देखकर हम सीख लेते हैं। 11% जो है हम सुनकर सीखते हैं और सुनकर खरीदते हैं। अगर कोई चीज हमारे सुनने में आती है और खरीदना है उसे तो 11% आप उस पर काम करते हैं, और कोई चीज सीख रहे हैं सुनकर तो आप उसमें 11% इस्तेमाल करते हैं। 3.25% जो है आप सूंघकर चीजें सीखते हैं या आप खरीदते हैं। कोई परफ्यूम लेने गए आप तो आप परफ्यूम को सूंघते हैं तो सूंघना 3.25% होता है, उसके बारे में सुना हुआ है तो वो 11% है, और जब उसकी पैकिंग देखते हैं आप 83% होता है, फिर आप उसको खरीदते हैं। और 0.25% जो है आप छू कर सीखते हैं, किसी भी चीज को छूकर सीखते हैं या छूकर खरीदते हैं आप उसको, 0.25% होता है सिर्फ। और सिर्फ 1% जो होता है वो चककर आप सीखते या खरीदते हैं। तो ये तरीका है सीखने और खरीदने का जिस पे हम अमल करते हैं, जिस पे खुद ब खुद अमल होता है। जरूरी नहीं कि आप उसको सोचें, इंसान की फितरत में होता है वो खुद ब खुद उस पे अमल करता है। फिर सवाल ये पूछता है कि हम मालूमात को किस तरह अपने पास रखते हैं, महफूज किस तरह से। 10% हम जब पढ़ते हैं तो सिर्फ 10% मालूमात अपने पास रखते हैं। पढ़ने के बाद 10% मालूमात आती है, पूरी 100% में से 10% आपके पास रहेगी। 20% आप सुनकर अपने पास सकते हैं, 20%। 30% आप देखकर अपने पास सकते हैं। 50% देखकर और सुनकर अपने पास सकते हैं आप मालूमात। अगर आप देख भी रहे और सुन भी रहे तो 50% आपके पास रहेगी। 70% आप उसके बारे में बात करते हैं, लोगों को बताते हैं जो कुछ आपने सीखा हुआ है, तो 70% आपके पास मालूमात रह जाती है। 90% आप बताते हैं और वही कर रहे होते हैं तो 90% आपके मालूमात रहती है। यानी सबसे ज्यादा पावरफुल है 90% ऑफ व्हाट वी से एज वी डू अ थिंग। जो कुछ हम कहते हैं वो कर भी रहे होते तो 90% आपको मालूमात रहेगी, लेकिन अगर सिर्फ आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं करते तो 10% आपके पास मालूमात रहेगी। या फिर सुनते हैं आप और उसके बाद कुछ नहीं करते तो 20% मालूमात रह जाएगी आपके पास। या फिर देखते हैं और कुछ नहीं करते तो 30% रह जाएगी, और 50% देखते हैं और सुनते हैं तो 50% रह जाएगी, और 70% आप उसके बारे में बात करते लेकिन अमल नहीं करते। बात करते हैं, लोगों को बताते हैं और खुद अमल नहीं करते, 70% आपके पास रहेगी। 90% उस वक्त रहेगी जब आप बात भी करते और खुद भी अमल करते हैं। इस तरह से हम मालूमात को अपने पास रखते हैं। दैट इज कॉल्ड हाउ वी रिटेन इंफॉर्मेशन विद अस। इंस्ट्रक्शन देने का तरीका क्या है? जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो क्या तरीका है? उसके 3 तरीके मौजूद है नफ्सियात में। पहला तरीका है टेलिंग, व्हेन यूज्ड अलोन, सिर्फ आप हिदायत दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे सिर्फ हिदायत दे रहे हैं। उसको आपने हिदायत दी, 3 घंटे बाद उसके पास 70% हिदायत रहेगी। जो कुछ आपने काम कहा है उसको कर दो, 70% उसके बाद 3 घंटे के अंदर रहेगा, और 3 दिन बाद सिर्फ 10% रह जाएगा। अगर आपने किसी को काम करने कहा कि भाई एक हफ्ते में तुम्हें ये सारा काम करना है और सिर्फ आपने किया है और कुछ नहीं किया आपने, तो 70% 3 घंटे में रहेगा उसके पास, 70% याद रहेगा ये काम करना है। 3 दिन के दौरान सिर्फ 10% रह जाएगा उसके पास, सिर्फ 10% वो काम को याद रखेगा। ये उस वक्त है जब हम सिर्फ कहते हैं लोगों को। ये तरीका पहला तरीका। दूसरा तरीका है जब हम उस काम को या उस हिदायत को इस्तेमाल करते हुए लोगों को बता रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो, तो 72% 3 घंटे बाद उनके पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी। और
तीन दिन बाद 20% रहेगी, क्योंकि इस्तेमाल करते हुए उन्होंने देखा तो उनको याद रहेगा, तो वो 10 गुना बढ़ जाएगी, 20% हो जाएगी। फिर दूसरा तरीका है कि जब आप किसी को इस्तेमाल करते हुए दिखाते हैं और बताते हैं इस तरह कर रहा है वो काम को, तो 3 घंटे में उसके पास 72% रहेगा और 3 दिन के अंदर उसके पास 20% वो काम रहेगा जो याद रहेगा उसे। आखिरी तरीका इसके अंदर है, व्हेन अ ब्लेंड ऑफ टेलिंग एंड शोइंग इज यूज्ड, जब आप बता रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसके सामने उस चीज को और बता भी रहे कि देखो ये इस तरह होगा, देखो इस तरह होगा, देखो इस तरह होगा, तो 85% जो है इंफॉर्मेशन वो 3 घंटे में उसके पास रहेगी और 3 दिन तक उसके पास 65% रहेगी। यानी सबसे ज्यादा मुस्तमिल तरीका ये कि जब आप किसी को कोई चीज सिखाए तो उसके सामने वो चीज को करें, बताएं। मिसाल तो मैं आप बताना चाह रहे हैं सेब किस तरह छीला जाता है बच्चों को, तो बकायदा एक सेब हो आपके हाथ में, एक छुरी हो और आप कहते हुए उसको काटे, छिलका उतारते हुए उनको दिखाएं और बोलते जाएं साथ में, तो ये होगा कि 3 घंटे के दौरान बच्चों के पास 85% इंफॉर्मेशन रहेगी और 3 दिन तक उनके पास 65% रहेगी और उस दौरान अगर उन्होंने वो काम कर लिया तो 100% इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए हो जाएगी। ये तरीका है सिखाने का, ये तरीका है हिदायत देने का। 3 तरीके में हमने बात की, ये तीनों तरीके मुस्तमिल है, तीनों तरीके बहुत अच्छे हैं अगर इसे इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरी तरीका जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसमें ये होता है कि आप 85% 3 घंटे के लिए रखते हैं और उस दौरान अगर आप इंस्ट्रक्शन जारी रखें उनके ऊपर तो वो 100% की तरफ बढ़ जाता है, या 3 दिन बाद अगर आप उस पर काम करते हैं तो फिर भी 100% हो जाता है। ये तरीके हैं मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस के। 2 चीजें हमने पढ़ी कि किस तरह से हम चीजों को खरीदते हैं और चीजों को सीखते हैं, किस तरीके से हम मालूमात रखते हैं और किस तरीके से हम हिदायत देते हैं। अगर इस पे अमल किया जाए तो आपकी कम्युनिकेशन जो है, आपकी बातचीत जो है वो तो बड़ी मौसर होती है। उसके बाद हमारे पास पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड ह्यूमन नेचर, लोगों को समझना और इंसानी फितरत को समझना कि लोग किस तरह के होते हैं और उनकी उनकी अंदर जो इंसानी फितरत है वो किस तरह काम करती है। When you have a proper understanding of human nature and people, जब आप में मौजू समझ होती है इंसानी फितरत की और लोगों की, When you know why people do the things that they do, जब आप जानते हैं कि लोग चीजें क्यों करते हैं जो वो करते हैं, When you know why and how people will react under certain conditions, और जब आपको ये पता होता है कि लोग जो है वो क्यों और कैसे react करेंगे, रद्देअमल जाहिर करेंगे कुछ यकीनी सूरत हाल में, then and only then, फिर और सिर्फ फिर can you become a skillful manager of people, सिर्फ उसी वक्त आप जो है माहिर मैनेजर बन सकते हैं लोगों के। यानी अगर आपको ये पता हो जाए कि लोग जो है वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और किन किन हालात में वो क्या रिएक्ट करते हैं और क्या करेंगे, तो यू बिकम अ स्किलफुल मैनेजर ऑफ पीपल। ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा इंसान जो है वो किस वक्त क्या करते हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं, यू कैन नॉट बी अ मीनिंगफुल प्रैक्टिकल मैनेजर ऑफ पीपल। देन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ प्रैक्टिकल मैनेजर ऑफ पीपल। अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड ह्यूमन नेचर सिंपली इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग पीपल फॉर व्हाट दे आर नॉट, व्हाट यू थिंक दे आर, नो व्हाट यू वॉन्ट देम टू बी। Understanding people, लोगों को समझना and human nature और इंसानी फितरत को simply involves ये सारे तौर पे घूमती है इर्द गिर्द, recognizing people, लोगों को जानना, उनकी शिनाख्त करना for what they are, कि वो है क्या, not what you think। ये नहीं कि आप जो समझते हैं उनको वो नहीं, वो खुद क्या है, आपके समझने से कुछ नहीं होता, वो खुद क्या है ये जानना जरूरी है। Know what you want them to be, और ना ही आपको ये जरूरी है कि आप उनको अपने जैसा बनाना चाहें या आप अपनी मर्जी से बनाना चाहें, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप ये देख रहे हैं कि वो है क्या खुद। जब आपकी समझ में आता है कि what is people, वो क्या है और वो लोग कौन से हैं। इसमें एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको नहीं समझते। People are primarily interested in themselves, not in you। लोग बुनियादी तौर पर
अपने अंदर दिलचस्पी रखते हैं, आप में नहीं। बहुत से लोगों की आदत होती है वो अपने बारे में बात करते हैं जब लोगों से मिलते हैं, तो वो अच्छे मैनेजर नहीं होते लोगों के। और जो लोग दूसरों के बारे में, यानी जो उनके सामने उसके बारे में बात करेगा, तो वो एक अच्छा मैनेजर होगा लोगों का। ये पहली बात थी कि हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल एंड हाउ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। दूसरा पॉइंट हमारे पास है हाउ टू स्किलफुली टॉक टू पीपल, कैसे महारत से लोगों से बात किया जाए। बहुत आसान तरीका है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल पिक आउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड टू देम। आपको सबसे बेहतरीन मजमून निकालना पड़ेगा उनके बात करने के लिए उनके सामने। और वो बेहतरीन मजमून क्या है? देमसेल्व्स, अस खुद वो, उनके बारे में बात करें। आप जब उनसे मिले तो उनके बारे में बात करें, उनकी खूबियों को बताएं उनको, उनके इरादों को बताएं उनको, तो दे लव टू हैव यू। यू बिकम अ वेरी पावरफुल मैनेजर ऑफ पीपल। जब आप ऐसा करते हैं कि लोगों के बारे में उनको बताते हैं कि आप में ये सलाहियतें हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, दे स्टार्ट हैविंग यू एवरी टाइम। वो हर वक्त आपको, आपसे मिलना पसंद करेंगे और आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप उनके मुतालिक बात कर रहे हैं। चार लफ्ज हैं वोकैबुलरी के इंसान की, अगर वो उसको निकाल दे तो मैं गारंटी देता हूं कि वो बहुत अच्छे मैनेजर ऑफ पीपल हो सकते हैं। वो चार लफ्ज हैं आई मी माई माइन। अगर आप आई को निकाल दें अपने अंदर से, मैं को, मी को निकाल दें मुझे, माई मेरा और माइन मेरा मिल्कियत में, अगर इन चार को निकाल दें, इनके मुतबादिल आप रख लें, बहुत ही ताकतवर लफ्ज यू, क्योंकि दिस मोस्ट पावरफुल वर्ड स्पोकन बाय द ह्यूमन टंग मोस्ट ऑफ टेन यू। अगर आप इसको रख लें अपने पास तो देखिएगा कि आपकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी मौसर होगी और लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। इफ यू लीव बिहाइंड आई मी माइन माई, इसको आप हटा दें और यू को रख लें अगर आप, तो आप देखिएगा कि आपकी गुफ्तगू से आपके हल्का अहबाब में वसत पैदा होगी, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है यू को लेके तरजीह दे रहे हैं बनिस्बत आई के, आप यू की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इफेक्टिव ऑन अदर्स बिकॉज वी कीप बिजी थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट अवरसेल्व्स। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी ही बात करें उनसे और अपने ही बारे में सोचते रहते हैं हम, इसीलिए आप इफेक्टिव नहीं होते, मौसर नहीं होते आप लोगों के सामने। द थिंग टू रिमेंबर इज दैट इट इज नॉट हाउ यू लाइक योर रिमार्क्स एंड सब्जेक्ट, इट इज हाउ योर लिसनर लाइक देम। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मजमून या आप जो बात कर रहे हैं वो लोगों को, सुनने वालों को कैसी लग रही है, ना कि आप अपने बारे में सोचे कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं या आप जो मालूमात दे रहे हैं वो अच्छी है और आपका जो है नाम रोशन होगा, बल्कि कि आप ये देखें कि जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं लोगों के सामने उनको वो कितनी पसंद आ रही है। सो व्हेन टॉकिंग टू अदर्स टॉक अबाउट देम, लिहाजा जब आप लोगों से बात करें उनके मुतालिक बात करें, उनके मुस्तकबिल के मुतालिक बात करें, उनके फवायद के मुतालिक बात करें, तो जब आप ऐसा करेंगे तो यू कैन बी अ गुड मैनेजर ऑफ पीपल। आप लोगों के एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे इंतजामकार बन जाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे गुफ्तगू करेंगे, लोग आपसे मशवरे लेंगे, क्योंकि आप अपने आप को भूल चुके हैं, आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज वेरी गुड अगर आप इसको अप्लाई करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है हाउ स्किलफुली मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट, कि कैसे महारत से लोगों को उनकी अहमियत के बारे में एहसास दिलाया जाए कि वो अहम है दुनिया में, उनकी कीमत है, उनकी जरूरत है दुनिया में। इसके ये भी एक तरीका है। सो टू बी स्किलफुल इन ह्यूमन रिलेशंस बी श्योर टू मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। टू बी स्किलफुल इन ह्यूमन रिलेशंस, इंसानी ताल्लुकात में माहिर होने के लिए बी श्योर, ये यकीन दहानी कर ले टू मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों को एहसास दिलाएंगे कि वो अहम है। लोगों को अहमियत का एहसास दिलाने वाले लोग भी एक अच्छे मैनेजर होते हैं, क्योंकि वो लोगों की अहमियत का एहसास दिलाते हैं कि आप कुछ है,
आप में सलाहियतें हैं, आप में खूबियां हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। जब आप ये एहसास दिलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन लोगों के लिए बहुत पावरफुल होगी। रिमेंबर दैट द मोर इंपॉर्टेंट यू मेक पीपल फील, द मोर दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। हमेशा रखें, जितना ज्यादा आप लोगों की अहमियत उनके बारे में बताएंगे, उतना ज्यादा वो आपको जवाब देंगे, उतना ज्यादा आपके पास आएंगे, उतना ज्यादा आपको बात को सुनेंगे, उतना ज्यादा बात को अमल करेंगे। तो तीसरी टेक्निक थी, हाउ स्किलफुली मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। इसकी कुछ उसूल हैं, इसी टिप के कुछ उसूल हैं, अगर आप उनको अपने जहन में रख लें तो जब आप गुफ्तगू करेंगे तो वो ज्यादा फायदे देंगे। मिसाल के तौर पर लिसन टू देम, नंबर वन है लिसन टू देम, उनको सुने। लोग सुनते नहीं है, अपने बारे में बताने शुरू कर देते हैं, उनको नहीं सुनते। पहला पॉइंट है, इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड मैनेजर ऑफ पीपल, लिसन टू देम केरी वेरी केयरफुली, उनको आप बहुत एहतियात से सुने, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जब सुने तो अप्लॉड एंड कॉम्प्लीमेंट देम, उनकी तारीफ करें और उनको सराहें। जब आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हो तो उनकी तारीफ करें, उनको सराहें, ये बहुत जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट है, यूज देयर नेम्स एंड पिक्चर्स एज ऑफ्टन एज पॉसिबल, बार बार अक्सर उनका नाम लेके उनसे बात करें कि जाहिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा होना चाहिए, और जाहिर साहब अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो नाम लेना है आपका, इट इज रियली मैजिक, वो उसको टच करेगा, इट्स वेरी टची, उनको टच करेगा और वो अच्छा समझेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, यूज देयर नेम्स एंड पिक्चर्स एज ऑफ्टन एज पॉसिबल, जितनी जितना मुमकिन हो उतना अक्सर ऐसा करें आप। देन नंबर फोर, पॉज बिफोर यू आंसर देम, रुके थोड़ा ठहरे और फिर जवाब दे चीजों का। अगर कोई आपसे सुनने वाला पूछ रहा है तो एकदम ना शुरू हो, आप थोड़ा सा वक्फा लें ताकि उसकी समझ में आए बात, आप वक्फे वक्फे से बात करें ताकि उसकी बात समझ में आए। यूज देयर वर्ड्स, उनके पांचवा पॉइंट है, यूज देयर वर्ड्स, उनके अल्फाज इस्तेमाल करें। उनके अल्फाज क्या है, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट, यू कैन डू इट, यू हैव गॉट डिसेबिलिटी, इट्स योर रिवॉर्ड, इस तरह से गुफ्तगू करें। यू और योर का इस्तेमाल रखें, वैसे आई और माई का, आप यू और योर का इस्तेमाल रखें। ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट है, एक्नॉलेज पीपल हु आर वेटिंग टू सी यू, और जब कभी लोग आप इंतजार कर रहे हो और जब आप उनसे मिलने आए तो इस बात को कहें कि मैं माजर चाहता हूं कि आपको मेरी वजह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, ये जरूर कहें ताकि उनको अच्छा लगे। जब आप ऐसा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है और आपकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट इसका सेवन, पे अटेंशन टू एवरीबॉडी इन अ ग्रुप, और अगर आप किसी मजमे में तो हर एक को मसावी रखें, आप हर एक पे भरपूर तवज्जो दें। ये ना हो कि आप किसी एक पर या किसी एक ग्रुप पर आप तवज्जो दे रहे हैं और बाकी पर नहीं दे रहे, पूरे पर एक साथ तवज्जो दें, तो ये भी एक गुड मैनेजर की जो है वो तरीका होता है काम करने का। तीसरा पॉइंट जो था हमारे पास वो ये है कि हाउ स्किलफुली मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट, और उसमें हमने गुफ्तगू की। चौथा पॉइंट है हमारे पास, हाउ स्किलफुली अग्री विद पीपल, लोगों से महारत के साथ किस तरह से राजी हो या उनको राजी करें आप। पहला पॉइंट इसका, लर्न टू बी एग्रीबल, ये सीखे राजी होना, सीखे लोगों से। बहुत से लोग होते हैं वो इस तरकीब को नहीं जानते कि बातों में राजी हो जाता है। मिसाल को कोई तजवीज दे रहा है आपको, कोई आप पढ़ गए, नहीं जी मेरी बात माने आप, नहीं, तजवीज को देखें, मुस्ताबिल है तो राजी हो, बिल्कुल सही यार आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। इट्स वेरी गुड टू अग्री विद पीपल, लोगों से राजी होकर काम करना बहुत ज्यादा मौसर है, बल्कि आप अपनी बात को मनवाएं, अग्री विद पीपल। जरूरी नहीं कि अग्री का मतलब ये कि हर नाजायज बात पे आप अग्री हो, नहीं, जो जायज उनकी बात है उसको। मिसाल तो आप बॉस है अगर, और आपको कोई एम्प्लॉई आपको एक अच्छा आइडिया दे रहा है, तो यू शुड बी लाइक अग्रीएबल, आपको एक यू शुड अग्री, उससे आपको अग्री हो के जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरा पॉइंट है, टेल पीपल व्हेन यू अग्री विद देम, लोगों को बताएं जब आप उनसे राजी होते हैं, अप्रिशिएट करें उन्हें कि आई अग्री विद यू, योर सजेशन इज क्वाइट एडमायरेबल, योर सजेशन इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, आई अग्री विद यू, ये कहें उनसे। तीसरा पॉइंट है, डू नॉट टेल पीपल व्हेन यू डिसएग्री विद देम, बहुत काम का है, जब आप उनसे मुत्तफिक ना हो तो हरगिज ना बताएं उनको कि आप उनसे गैर मुत्तफिक हैं, उनसे मुत्तफिक नहीं है, अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब तक के जरूरी ना हो, अशद जरूरी ना हो। अब इसका तरीका है, आप खामोशी अख्तियार कर लें, अब आप राजी नहीं है, कोई तजवीज दी आपके बॉस ने, आप समझते हैं जरूरी नहीं है और इसको बोलना भी जरूरी नहीं है, खामोशी अख्तियार कर लें आप, बेहतरीन पॉइंट है, खामोश हो जाए वहां पर, खामोशी ही आपकी उसके लिए रजामंदी होगी, आपके लिए गैर रजामंदी होगी, लेकिन आपका बोलना जो है वो बहस की तरफ ले जाएगा आप।
चौथा पॉइंट है एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग. ये बड़ा काम का है, लोग इसको नहीं पकड़ते. तस्लीम करें जब आप गलती करते हैं, कहे सॉरी इट्स माय मिस्टेक, इट इज बिकॉज ऑफ मी, ये मेरी वजह से हुआ, मैं माजरा चाहता हूं, मैं गलत हूं इस जगह पर. ये कहें अपने आप से और लोगों के सामने कहें जिनके जिनसे ऐसा मसला हुआ है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है लोगों से अग्री होने का. देन रिफ्रेन फ्रॉम आर्गुइंग, बाज रहे बहसो मुबाइजे से. ये बहसो मुबाइजा जो है इंसान की कम्युनिकेशन को तबाह कर देता है. बात बात पर बहस करना शुरू कर देते हैं आप, अपनी बात मनवाना शुरू कर देते हैं. जरूरी नहीं ऐसा करें आप, बहुत दूर हटे इससे आप, क्योंकि आप आर्ग्यू करने से नुकसान में आते हैं, आपकी कम्युनिकेशन तबाह होती है, कि आर्ग्यूमेंट लीड्स नोवेयर. द लास्ट पॉइंट इसका हैंडल फाइटर्स प्रॉपरली. फाइटर एक काइंड होती है लोगों में, फाइटर दे ऑलवेज प्रिफर टू हैव फाइट, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं. बेहतरीन तरीका इनको प्रॉपरली ले आप, इनको हैंडल करें प्रॉपरली. मौजूद तरीके से आपको मालूम है कि ये बात बात पे भड़क उठते हैं, बात बात पे ये तैश में आ जाते हैं, आप वो हरगिज वो बात ना करें, क्योंकि वो इट लीड्स यू टुवर्ड्स फाइटिंग, तो आप उससे गुरेज करें. तो ये 6 पॉइंट है लोगों से महारत से राजी होने के, अगर आप इस पे अमल करते हैं तो देखिएगा आप किस तरह आगे बढ़ेंगे. चौथे पॉइंट पे हम हैं अभी तक, उसमें हमने कहा कि जी लोगों से किस तरह से राजी हो जाए. इसमें 3 जो है वो नुक्ते हैं जो आर्ट ऑफ बीइंग अग्रीएबल के हैं, कि अगर आप इन 3 नुक्ते पे काम करते हैं तो यू हैव द आर्ट ऑफ अग्रीएबल, राइट. द रीजंस बिहाइंड द आर्ट ऑफ बीइंग अग्रीएबल, ए पीपल लाइक दोज हु अग्री विद देम. लोग हमेशा उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी बातों पर राजी होते हैं. बी पीपल डिसलाइक दोज हु डिसएग्री विद देम. लोग ना पसंद करते हैं उन लोगों को जो उनकी बात से राजी नहीं होते. ये लोग इंसानी फितरत है, लोगों का तरीका है. सी पीपल डोंट लाइक बीइंग डिसएग्रीड विद. लोग हरगिज नहीं चाहते, हरगिज पसंद नहीं करते कि उनसे गैर मुत्तफिक होकर उनके साथ रहा जाए. किसी बात से आप इससे मुत्तफिक नहीं और है भी उसके साथ तो लोग ऐसा पसंद नहीं करते. अगर आप इन चीजों पर अमल करते हैं तो यू हैव द आर्ट ऑफ बीइंग अग्रेबल. आपके पास एक आर्ट, एक फन आ जाता है बीइंग अग्रेबल का. ये बहुत जरूरी है. 5वां वापस पॉइंट है हाउ टू स्किलफुली लिसन टू पीपल. कितनी महारत से लोगों को सुना जाए, ये भी एक महारत है कि लोगों को कितनी महारत से सुना जाए. नंबर 1, लुक एट द पर्सन हु इज टॉकिंग. लोगों की तरफ देखकर सुने उनको. आपसे जो बात करें उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ नहीं देखेंगे तो आप वो ये समझेगा कि आप उससे उसकी बात को सुन नहीं रहे. तो लुक एट द पर्सन हु इज टॉकिंग, नंबर 1. नंबर 2, लीन टुवर्ड्स द स्पीकर एंड लिसन इंटेंटली. थोड़ा सा स्पीकर की तरफ झुके हैं आप, थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़े, थोड़ा सा बढ़े, उसको ऐसा महसूस हो कि आप उसकी बात को तवज्जो से सुन रहे हैं, आप उसकी बात पर तवज्जो दे रहे हैं, उसको ऐसा लगेगा. और ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है. तीसरा पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस, सवालात कीजिए उससे, उसकी बातों से ही सवालात निकालें और सवाल कीजिए आप. अच्छा अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, अच्छा इस तरह करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए. इस तरह से गुफ्तगू करें कि बीच में उसको आप सवालात करके उसको ये तसल्ली दे कि आप उसकी बात को समझ रहे बल्कि उसकी बात से सीख भी रहे और उसको बता भी रहे आप. चौथा पॉइंट है स्टिक टू द स्पीकर सब्जेक्ट, बोलने वाले के बात पे ही रहे, जो जिसके मुताबिक वो गुफ्तगू कर रहा उसके बात पे ही रहे. डोंट इंटरप्ट, उसमें मदाखलत ना करें, अपनी राय नहीं दे, उसी के मजमून में रहे आप. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टिक टू द स्पीकर सब्जेक्ट एंड डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट ना कीजिए उसे आप. देन 5th पॉइंट, यूज द स्पीकर्स वर्ड, स्पीकर्स के वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए. यू योर, यानी योर सजेशन इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, यू आर ग्रेट इन दिस सेंस. आप इस तरह से गुफ्तगू करें तो ये एक तरीका है महारत से लोगों को सुनने का. अगर हम इस पर अमल करते हैं तो हमें जो है ज्यादा फायदा होता है और हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है. 6th पॉइंट है हमारे पास हाउ टू स्किलफुली इन्फ्लुएंस पीपल, कितनी महारत से लोगों पर असर डाला जाए, लोगों पर असरअंदाज हो जाए. द फर्स्ट बिग स्टेप इन गेटिंग पीपल टू डू वॉट यू वॉन्ट देम टू डू इज टू फाइंड आउट वॉट विल मेक देम टू डू इट वॉट दे वॉन्ट. सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं. द फर्स्ट बिग स्टेप, पहला बड़ा कदम इज गेटिंग पीपल टू डू, लोगों से काम करवाने का, वॉट यू वॉन्ट, जो आप चाहते हैं देम टू डू, कि वो करें.
इज टू फाइंड आउट, सबसे पहले ये पता करना होगा आपने व्हाट विल मेक देम डू इट, कि वो चीज आखिर क्या होगी जिससे वो उस काम को करें, व्हाट डू दे वांट, वो क्या चाहते हैं, आपको ये पता करना पड़ेगा. देन व्हेन यू नो व्हाट विल मूव देम, यू देन नो हाउ टू मूव देम. तो आपको ये पता चल जाता है कि वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, वो क्या है जिससे वो आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये पता चल जाता है कि उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए. तो आपको ये पता चल गया कि आप जो सुनने वाला है उसको इस चीज की जरूरत है, तो अब दूसरा स्टेप होगा कि उसे वो चीज को किस तरह उसको दी जाए. ये तरीका है इसका. देन ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कोई भी शख्स किसी से यकसा नहीं है, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे शौहर हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो या बेटा हो, चाहे कोई भी हो, हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है. वी लाइक डिफरेंट थिंग्स, हम अलग अलग चीजें पसंद करते हैं. जरूरी नहीं कि जो चीज आप पसंद करते हैं वो दूसरा भी करे, ऐसा नहीं होगा. हम अलग अलग चीजें पसंद करते हैं, वी प्लेस डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट थिंग्स, और हमारी नजर में चीजों की मुख्तलिफ कीमतें होती हैं, मुख्तलिफ कदरें होती हैं. जरूरी कि जो कदर मेरी नजर में वही कदर आपकी नजर में हो, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि वी ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, हम तमाम के तमाम लोग मुख्तलिफ हैं. हम जबरदस्ती नहीं छू सकते किसी पर कि नहीं जी मेरी बात को मानो आप, या जो मैं पसंद कर रहा हूं वो पसंद करो आप, या जो भी जिस तरह मैं चाह रहा हूं उस तरह करो आप, ऐसा हरगिज नहीं होता. जब आपके जहन में ये होता है तो आप कोशिश करते हैं कि उनको पहले समझ जाए कि वो क्या चाहते हैं, और फिर उन जैसा आप माहौल पैदा करते हैं और उनको वो चीज मुहैया करते हैं आप. तो ये तरीका बहुत अहम है जिस पे हम काम करते हैं. सातवा हमारे पास उसूल है, सातवा तरीका है हाउ टू स्किलफुली कन्विंस पीपल, कितनी महारत से लोगों को कायल किया जाए. एक तो ऐसा अंदाज हुआ जाए, एक एक कायल किया जाए उनको कि वो आपकी बात को समझे, सुने और उस पर अमल करें. इट इज ह्यूमन नेचर फॉर पीपल टू बी स्केप्टिकल ऑफ यू, ये इंसानी फितरत है, इंसानी मिजाज है लोगों के लिए कि वो शक्की मिजाज होते हैं आपके मुतालिक. जिससे आप गुफ्तगू कर रहे होंगे वो थोड़ा सा शक्की मिजाज होगा आपके लिए, चाहे कोई भी हो. एंड ऑफ व्हाट यू से व्हेन यू आर सेइंग थिंग्स दैट आर टू योर ओन एडवांटेज, ये उस वक्त होता है जब आप अपने फायदे के लिए लोगों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो वो शक करता है आप पे. मिसाल के तौर पे आप कोई चीज बेच रहे हैं और ग्राहक से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ग्राहक थोड़ा सा शक करता है कि पता नहीं ये चीज जो बता रहा है इसके फवायद ये सही भी है या नहीं है, पता नहीं ये चीज जो बेचने वाला ये बेयारी है या गैर बेयारी, आप में जरूर शक होगा. क्योंकि इसलिए कि वो अपनी बात कर रहा है, आपकी बात नहीं कर रहा. जब कभी इंसान अपनी बात दूसरों से करता है तो सुनने वाला शक्की मिजाज होता है, ये इंसानी फितरत है लोगों की. अब इसका तरीका क्या है, द बेटर वे इज फॉर यू नॉट टू मेक द स्टेटमेंट डायरेक्टली बट टू कोट समबडी. ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है, बेहतर तरीका ये कि जब आप अपनी बात करना चाहें लोगों से तो डायरेक्टली बराहरास बात ना करें बल्कि हवाला देके बात करें कि कुछ लोग इस कपड़े को बहुत अच्छा कहते हैं, कुछ लोग इन कपड़ों को ले जा चुके हैं, इस डिजाइन को ले जा चुके हैं, आप भी ले जाके देखें आप पे जचेगा. तो आप कुछ लोगों पे जाएंगे उस पे नहीं जाएंगे. अगर वो कहेगा ये कपड़ा मेरी दुकान पे बहुत अच्छा है और ये आप लेके जाए आपको अच्छा लगेगा, तो वो शक करेगा कि मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया. लेकिन आप बताइए बहुत से लोग इस कपड़े को ले जा चुके हैं और बहुत से लोगों ने इसके सूट बनाए, तो आप उन लोगों पे जाएंगे जो ले जा चुके हैं, तो आपका शक खत्म हो जाएगा. ये बेहतरीन गुर है जिसको अगर समझा जाए तो बहुत फायदा होता है. लेट समबडी एल्स मेक द स्टेटमेंट फॉर यू, जो आपकी बात है वो किसी और पे रखे ना, किसी और पे रख के बताए, मिसाल दे. और जब मिसाल देंगे आप तो ये बड़ा काम होगा. इसका तरीका है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, बल्कि वाकई जो दूसरे बयान करते हैं कि जब कभी कोई असहाबे किराम सरकार के पास आते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला फला शख्स जो है वो इस तरह करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप मजलिस में ये कहते थे कि भाई कुछ लोग हैं वो इन आदत पे अमल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इन आदत पे अमल ना करें. आप जो करने वाले थे वो समझ जाते थे, और ये एक तरीका है इनडायरेक्टली बात करने का. तो ये तरीका बड़ा कारामद है कि आप मिसाल तुम्हें फर्स्ट करें, मैं कह रहा हूं कि मिस ए आप जो है वो इस तरह से, इस तरह ना हो आप, तो मैं कहूंगा भाई कुछ लोग इस तरह के होते हैं, अगर वो इस तरह ना हो इस तरह हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा. मिस ए है उस तरह की, मिस ए बोलेंगे देखो कितना अच्छा है, मुझे किस तरीके से समझाया. लेकिन मैं भरे मजे में कहूं मिस ए आप इस तरह से, तो वो बात नहीं होगी. लेट समबडी एल्स मेक दिस स्टेटमेंट फॉर यू इवन इफ दैट समबडी एल्स इज इन इवन प्रेजेंट. जरूरी नहीं कि वो शख्स मौजूद हो तो आप बताएं लोगों को, नहीं आप मिसाल दें.
मिसाल देकर बात करें कि जी इस तरह से फला शख्स है और उसने ऐसा किया तो ये फायदा हुआ. सो स्पीक थ्रू थर्ड पर्सन. लिहाजा जब भी गुफ्तगू करें तीसरे का हवाला दें. बड़े काम का पॉइंट है. तीसरे का हवाला देंगे आप फायदा होगा. हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्किलफुली मेकअप पीपल्स माइंड्स, के लोगों के जहन को किस तरह महारत से जो है बनाया जाए अपने बारे में. तो इसका एक और पॉइंट है हमारे पास. नंबर वन, गिव पीपल रीजंस टू से यस टू यू. वजूहत बताएं कि वो आपकी बात को हाँ करें. उनको वजूहत तो बताएं. तो वजूहत नहीं बताएंगे और कहेंगे हाँ करें आप ये काम करें तो वो कहेंगे क्यों करें हम. जब आप उनको फवाइद बताएंगे उस काम करने के, रीजंस देंगे, दे विल से यस. सेकंड पॉइंट, आस्क यस क्वेश्चंस. जब उनसे आप गुफ्तगू करें तो उनसे यस क्वेश्चन लेना शुरू करें. यानी कि आप ऐसे जब सवाल करें उनसे कि मिसाल तौर पर आर यू ब्यूटीफुल, यस. आर यू स्मार्ट, यस. कैन यू डू इट, यस. ये सवाल करें उनसे. यस से होता ये कि उनकी कम्युनिकेशन आपके लिए बड़ी स्ट्रांग हो जाती है. दे फील कंफर्टेबल व्हेन दे टॉक टू यू, दे फील वेरी फ्री. वो बहुत फ्री होते हैं और आपसे गुफ्तगू करने में उनको अच्छा लगता है. नंबर थ्री, गिव पीपल अ चॉइस बिटवीन टू यसेस. उनको चॉइस दीजिए दो यस के दरमियान. यानी देश कैन से यस एंड नो, देन यस. आर यू इंटेलिजेंट? नॉट लाइक दैट, बट यस आई एम. आर यू हाईली क्वालिफाइड पर्सन? नो बट आई एम ट्राइंग टू बी, यस आई कैन बी. इस तरह से सवालात हो आपके जिसमें उनके पास चॉइस हो. यस मैन नो, यस 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 नो, बल्कि यस नो यस हो. ये चॉइसेस होते हैं कि दो के बीच, दो यसेस के बीच में एक चॉइस नो का दिया है आपने. अगर आपने ये सोचा कि कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता तो नो भी कहेगा यस भी कहेगा, तो आपके जहन में ये होगा कि यस नो यस, यस नो यस, यस यस नो यस. इस तरह से सिचुएशन बनेगी फिर आपके सामने. कोई भी स्टूडेंट जो है हमेशा यस में जवाब नहीं देगा, नो भी देगा, यस में भी देगा. ये आपके पास तरीका होना चाहिए. देन नंबर फोर, एक्सपेक्ट पीपल टू से यस टू यू एंड लेट देम नो दे आर एक्सपेक्टेड टू से यस. हमेशा तवक्को रखिए लोग आपसे यस कहेंगे और उनको भी तवक्को दिलाएं कि वो यस कहेंगे. यानी आपका तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे उनको तवक्को के हाँ ऐसा काम करने में उन्हें फायदा उन्हें करना चाहिए. ये तरीका है. ये चार पॉइंट मजीद हैं इसके, जिससे ये होता है कि आपको कितनी महारत से लोगों के दिमाग को बनाते हैं, आप किस तरह से उनको कायल करते हैं कि वो आपकी बात को माने. देन इसी में मजीद बड़े काम की चीजें इसके अंदर कि अगर आप चाहते हैं 10 में से 9 आपको फौरन पसंद करना शुरू कर दे, 10 लोग बैठे और 9 एकदम आपको पसंद करना शुरू कर दे, आप चाहते हैं कि 10 में से 9 फौरन कर्टियस हो जाए, कोऑपरेटिव हो जाए, फ्रेंडली हो जाए एक सेकंड के अंदर आपके लिए. आप किसी महफिल में गए और 10 में से 9 लोग आपको देखते ही मेहरबान हो गए, ताउन करने वाले बन गए और दोस्ताना माहौल में आ गए एक सेकंड के अंदर. क्या तरीका हो सकता है ऐसा जिससे ये हो? बड़े मजे की बात है कि ये तरीका साइंस में, साइकोलॉजी में मौजूद है कि आप किस तरह से काम करें. हियर इज हाउ. इस तरह से देखें. नंबर वन, बाय रिमेंबरिंग दैट द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स ऑफ एनी रिलेशनशिप यूजली सेट्स द टोन एंड स्पिरिट ऑफ इट. आपके जहन में रहना चाहिए कि जैसे आप घुसेंगे किसी तकरीब में तो सबसे पहले आप टोन और स्पिरिट बनाएंगे. टोन और स्पिरिट किस तरह बनती है? आप जब उनके सामने आते हैं तो टोन बनती है और जब आप कोई एक्शन करते हैं अपना तो उसमें स्पिरिट बनती है. इसके लिए सेकंड जो उसूल है ह्यूमन नेचर का उसकी बात करेंगे हम. एंड देन यूटिलाइजिंग दैट द सेकंड बेसिक लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. और फिर हम सेकंड लॉ जो है बेसिक लॉ ह्यूमन बिहेवियर का, इंसानी किरदार का, इंसानी बर्ताव का, उसको इस्तेमाल करते हैं. वो है पीपल स्ट्रांगली टेंड टू रिस्पॉन्ड इन काइंड. पीपल स्ट्रांगली टेंड टू रिस्पॉन्ड इन काइंड टू द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल. इंसान हमेशा शफीक बर्ताव से शफ़त देता है. जब कोई इंसान किसी के सामने खड़ा होता है और उसके दिमाग में शफ़त होती है लोगों के लिए और वो मुस्कुराता है, जैसे ही वो मुस्कुराता है पीपल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. इंसान की मुस्कुराहट अगर अंदर से निकल रही है तो एक सेकंड लगता है किसी को अपना बनाने में. एक सेकंड. आप कभी भी आजमा के देखिएगा कि जब आप मुस्कुराएंगे किसी के सामने यू विल गेट द स्माइल इन रिटर्न. तो वो जो स्माइल होगी वो रिस्पॉन्ड होगा उसको. स्माइलिंग इज काइंडनेस. तो ये बेसिक लॉ है, सेकंड बेसिक लॉ है ह्यूमन बिहेवियर का. व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल चेक योर टोन एंड स्पिरिट, एंड व्हेन यू चेक योर टोन एंड स्पिरिट स्माइल बैक.
एक सेकंड के अंदर आप 10 में से 9 लोगों को अपना हम ख्याल बना लेंगे, लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, और इसको आजमा के देखिए आप, ये बड़ा काम का जो है वो तरीका है। एक पॉइंट है बाबा, हाउ टू स्किलफुली प्रेज पीपल, कितनी महारत से लोगों की तारीफ की जाए। तारीफ करना भी एक हुनर है, ज्यादा तारीफ भी नुकसान देती है, कम तारीफ भी नुकसान देती है। मौतदल एक तवाज़ुन में अगर तारीफ हो तो वो कारामद होती है, उसकी तरीका है। मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन, इंसान सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। इंसान कोई ये समझे कि खाया पिया और सो गए और सुबह उठ गए, वो इंसान नहीं कहलाएगा। इंसान सिर्फ खाने के लिए नहीं पैदा हुआ। मैन नीड्स फूड फॉर द स्पिरिट एज वेल एज फॉर द बॉडी, इंसान को जरूरत होती है गजा की, रूह की और जिस्म की। जिस्म की तो मिल जाती है, रूह की गजा है यही कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी योर स्पिरिट इज डेड। कम्युनिकेशन रूह की गजा है। रिमेंबर हाउ यू फील व्हेन अ काइंड वर्ड और कॉम्प्लीमेंट इज गिवन टू यू। याद कीजिए कभी किसी ने आपकी तारीफ की हो, कोई लफ्ज कहे हो आपके बारे में, उनको जरा देखिए आपको अच्छा लगेगा, आप खुद ब खुद अपने अंदर अभी इसी वक्त अच्छा महसूस करेंगे। याद कीजिए वो दिन या वो लम्हा जिस वक्त किसी ने आपकी तारीफ की और आपको बड़ा अच्छा लगा, वो तारीफ करना आपको बड़ी खुशी महसूस होगी, अभी आपको फौरन अच्छा लगेगा। रिमेंबर हाउ योर होल डे और इवनिंग इज ब्राइटन अप, और वो दिन आपका किस तरह से खुशकुन और बड़ा अच्छा गुजरता था, याद कीजिए उस सिर्फ एक लफ्ज से, बाय दैट काइंड वर्ड आपका पूरा दिन अच्छा गुजरा था, आपको याद आएगा अगर आप सोचेंगे तो। लिहाजा बी जेनरस विद योर प्रेज, फराग़दिली से लोगों की कीजिए। आज आपने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना है, आज आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, आज आप बड़े पूरे तमाद लग रहे हैं, आज आप कामयाब लग रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी होती जा रही है, ये इससे फायदा होगा, लोगों में एतमाद बहाल होगा और लोग आपको पसंद करेंगे। द प्रेज मस्ट बी सिंसियर, तारीफ दिल से होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप तारीफ कर रहे हो और अंदर आपके उसके लिए तारीफ ना हो, उससे नुकसान होगा आपको। आपके अंदर भी तारीफ होनी चाहिए, आपके ऊपर भी तारीफ। मिसाल के तो आप कह रहे हैं आप किसी को अच्छा नहीं समझ रहे, वगैरह आप बहुत अच्छे हैं, और या फिर आप बहुत अच्छे हैं, ये नुकसान देंगी चीज, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगी आपकी, दिल में कुछ और है मुंह पे कुछ और है। प्रेज द एक्ट नॉट द पर्सन, प्रेज द एक्ट, उसके काम की तारीफ कीजिए, उस शख्स की तारीफ ना कीजिए। जब आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो उसके काम की तारीफ कर रहे होते ना, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, लगने का मतलब क्या, वो काम है जो आप सेहतमंद लग रहे हैं, सेहतमंद एक काम है, सेहतमंद नजर आना एक काम है, आप खूबसूरत लग रहे हैं, खूबसूरती एक काम है जो मेंटेन होती है, ये सारी चीजें। तो प्रेज द एक्ट नॉट द पर्सन, शख्स को ना कहें आप, उसके काम को कहें, राइट। ये आठवां पॉइंट है कि हाउ टू स्किलफुली प्रेज पीपल। देन हमारे पास नवा पॉइंट है, हाउ टू स्किलफुली क्रिटिक पीपल, कितनी महारत से लोगों को तनकीद कीजिए। तनकीद करना भी जरूरी होती है, बगैर तनकीद के आप काम नहीं कर सकते, तो इसके भी तरीके हैं। द सेवन मस्ट फॉर सक्सेसफुल क्रिटिसिज्म, सात जरूर करने वाले काम है जो कामयाब तनकीद के लिए होते हैं। पहला, नंबर वन, क्रिटिसिज्म शुड बी मेड इन एब्सोल्यूट प्राइवेसी, अगर किसी पे तनकीद करनी है एब्सोल्यूट प्राइवेसी में, इंतहाई खलवत में, तन्हाई में उसको ले जाए और उससे बात करें आप, बहुत जरूरी है। सबके सामने तनकीद ना करें, अगर सबके सामने तनकीद करेंगे तो उससे नुकसान ही होगा कि वो तनकीद बराए तनकीद रह जाएगी। नंबर दो, प्रीफेस क्रिटिसिज्म विद अ काइंड वर्ड और कॉम्प्लीमेंट, पहले तमीद बांधे अच्छे लफ्जों से, अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करें कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अर्सा हो गया आपको काम करते हुए, और बहुत अच्छे अच्छे आपने काम किए हैं, इसमें बड़े अच्छी क्लासें ली हैं आपने, बड़ा अच्छा काम किया, हम आपकी काम की तारीफ करते हैं, लेकिन अब फिलहाल जो है इस वक्त आपके वो काम में वो बात नहीं, क्या बात है। तो पहले आपने कॉम्प्लीमेंट करते हुए जब ले आएंगे तो पीपल विल लिसन टू यू एंड पीपल विल अप्रिशिएट योर क्रिटिक, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट है, मेक द क्रिटिसिज्म इम्पर्सनल, जो क्रिटिसिज्म तनकीद है उसको इम्पर्सनल, पर्सनल ना बनाए, उसे इम्पर्सनल कर दे। किस तरह, क्रिटिसाइज द एक्ट, काम को तनकीद करें, काम पर तनकीद करें, नॉट द पर्सन, शख्स पर तनकीद ना करें,
आपका काम जो है आजकल सही नहीं हो रहा, क्या बात है, काम पे तवज्जो नहीं है आपकी, आप उस अंदाज में क्लास नहीं ले रहे जिस अंदाज में आपको लेना चाहिए, काम पे आप तनकीद कर रहे, आप बड़े वो हैं, आपको तो अकल ही नहीं है, आप बड़े अहमक हैं, आपको तो ढंग ही नहीं काम करने का, ये शख्स पे काम कर रहे हैं आप, लेकिन आपने कहा कि आपको ये काम करने का तरीका नहीं आता, तो आप उस काम पे बात कर रहे हैं, तो इससे फायदा होगा आपको। चौथा पॉइंट है सप्लाई द आंसर, जब आप सवाल कर रहे होंगे तो उसका जवाब भी देंगे, आप ये काम को नहीं कर रहे तो इस वजह से नुकसान हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको करेंगे तो कंपनी को फायदा होगा, क्या ख्याल है आप, ऐसा होगा नहीं होगा, आप सप्लाई दी आंसर भी जवाब भी दे रहे, सवालों को जो तरकीद कर रहे हैं उसका जवाब भी दे रहे, ये इस तरह से होगा। नंबर 5, आस्क फॉर कोऑपरेशन, आस्क फॉर कोऑपरेशन, ताउन का, ताउन के बारे में कहेंगे आप हमारे साथ ताउन कीजिए, डोंट डिमांड इट, मुतालबा ना कीजिए, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम यहां काम करते हो तुम्हें पैसे मिलते हैं इसके, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हारे फ्राइज में आता है, ये डिमांड है, लेकिन आप बोले प्लीज हमारे साथ ताउन कीजिए, देखिए हमारा एक टीम वर्क है, अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो टीम वर्क जो है वो थोड़ा सा इफेक्टेड होगा, या अगर आप इस टीम वर्क पे काम करना चाहते हैं तो यू शुड कोऑपरेट विद अस, व्हेन यू कोऑपरेट विद अस वी विल कोऑपरेट इन रिटर्न, तो देखिएगा आपकी क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। नंबर 7 है फिनिश अ क्रिटिसिज्म ऑन अ फ्रेंडली नोट, और जब आप तनकीद को खत्म करें तो बोले और सब कुछ ठीक है ना इसके अलावा, और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बाकी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और ये क्या, और सुनाएं आपका दिन कैसा गुजरा, शाम को क्या कर रहे हैं, इस तरह से करते हुए बात को खत्म करें। तो दीज 7 मस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, जब भी आप किसी को करें, अगर इन 7 पे आप काम करेंगे देखिएगा आपको कितना फायदा होगा। देन 10th पॉइंट हमारे पास है हाउ टू स्किलफुली थैंक पीपल, कितनी महारत से लोगों का शुक्रिया अदा करें, लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते और थोड़ा जल्दी करते हैं शुक्रिया अदा करने में, मिसाल के तौर पर कोई तोहफा दे रहा है, आपने इसकी क्या जरूरत थी और फौरन ले लिया आपने, तो कह रहे अच्छा जरूरत नहीं थी तो दे दीजिए वापस, बोला नहीं नहीं आप ले आए तो रख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो नंबर 1 पॉइंट, व्हेन यू से थैंक यू मीन इट, जब आप थैंक यू कहते हैं तो उसमें वाकई थैंक यू होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, थैंक यू मीन इट, उसका मतलब होना चाहिए, उसके मायने होना चाहिए उसकी नजर में, उसको महसूस हो कि आपने थैंक यू कहा। से इट, नंबर 2 है से इट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, बिल्कुल वाजे और साफ अल्फाज में कहें आप थैंक यू, उसमें इबाम नहीं होना चाहिए, जरा सा भी इबाम ना हो, तोहफा देखकर, तोहफा देख रही इतना छोटा सा पैकेट दे रहा है आपने, इसमें क्या होगा, थैंक यू आप लाए, बहुत शुक्रिया आपका, डोंट डू इट, राइट, हो सकता है उसमें कोई कीमती तोहफा हो। नंबर 3, लुक एट द पीपल व्हेन यू थैंक देम, लोग की तरफ देखकर शुक्रिया अदा करें, आपका शुक्रिया, आपने, आप यहां आए, आपने हमें इज्जत बख्शी, इस तरह से बात करें। नंबर 4, थैंक पीपल बाय नेम्स, अरे जाहिर साहब आपकी तशरीफ का शुक्रिया, आइए आइए, बाय नेम, पीपल लव टू लिसन देयर नेम, इट्स मैजिक। नंबर 5, वर्क एट थैंकिंग पीपल, वर्क एट थैंकिंग पीपल, लोगों को काम करते वक्त भी उनका शुक्रिया अदा करें, जब वो काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप आए देखा काम करते हैं, थैंक यू वेरी मच यू आर डूइंग वेल, ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से काम करें। तो 10वां पॉइंट है हमारे पास हाउ टू स्किलफुली थैंक पीपल, और इसके 5 पॉइंट अगर हम इस पर काम करते हैं तो देखिए आपको फायदा होगा। पॉइंट नंबर 11, हाउ टू स्किलफुली मेक अ गुड इंप्रेशन, कितनी महारत से एक अच्छा तासुर छोड़ा जाए लोगों पर, ये भी एक तरीका है कि लोगों पर अच्छा जो असर छोड़ने का तरीका होता है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने ऊपर फखर कीजिए, ऑफ हु यू आर, कि आप जो कुछ हैं उस पर फखर अदा कीजिए, ऑफ व्हाट यू डू, और जो कुछ आप करते हैं उस पर फखर कीजिए, ऑफ वेयर यू वर्क, और जहां आप काम करते हैं उस पर फखर कीजिए, यानी सबसे पहले अपने ऊपर फखर कीजिए आप क्या है, फिर आप जो करते हैं उस पर फखर कीजिए, और जिस जगह आप काम करते हैं उस पर फखर कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए कि मैं इस जगह काम कर रहा हूं और बड़ा अजीब सा महसूस करता हूं, मुझे इस जगह काम नहीं करना चाहिए था, आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी, कम्युनिकेशन तबाह हो जाएगी आपकी, जहां भी आप काम करते हैं फखर महसूस कीजिए, देन डोंट अपोलोजाइज फॉर योर सिचुएशन लाइफ और योर सेल्फ, अपने ऊपर कभी लानत मलामत ना कीजिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी जगह फंस गया हूं काम करने के लिए, ऐसा ना कीजिए, You are what you are. आप जो है वो है. So handle yourself with pride and respect. तो फिर अपने आप को फखर से और इज्जत से हैंडल कीजिए. भाई आप जो है वो है, आप तब्दील नहीं हो सकते. आप इस वक्त जो है वो है, आपको मालूम है अच्छी तरह आप क्या है, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उस पर फखर कीजिए. अब इसके लिए पॉइंट है वापस के किस तरह. नंबर 1, बी सिंसियर, मुखलिस होइए अपने आप से.
और लोगों से. देन नंबर टू, शो एंथुसियाज्म, जोश दिखाइए मुखलिस होने में, साबित कीजिए आप मुखलिस अपने आप से दूसरे लोगों से. देन डोंट बी ओवर एंशियस, बहुत ज्यादा परेशान ना होइए किसी चीज के बारे में. डोंट बी ओवर एंशियस, बहुत ज्यादा परेशान ना हो, हर वक्त परेशान रहते हैं आप, ऐसा ना करें. नंबर फोर, डोंट ट्राई टू बिल्ड योरसेल्फ अप बाय रनिंग अदर पीपल डाउन, कभी ऐसा मत कीजिएगा कि लोगों के सर पर चढ़कर तरक्की करें आप, लोगों पीछे छोड़ के तरक्की करें, कभी ऐसा नहीं कीजिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा. आप लोगों साथ लेकर तरक्की करने वाले लोग हमेशा सिंसियर होते हैं, हमेशा एंथुजियास्टिक होते हैं, हमेशा अंडर एंग्जाइटी होते हैं. लेकिन जो लोगों के सर पे चढ़कर तरक्की करते हैं वो सिंसियर नहीं होते, एंथुजियाज्म नहीं होता उनमें, और ना वो बला के ऑफुली दे आर ओवर एंग्शियस, राइट. नंबर फाइव, डोंट नोक एनीबॉडी ऑन एनीथिंग, डोंट नोक एनीबॉडी ऑन एनीथिंग, लोगों को तनकीद का निशाना मत बनाइए, बिला वजह लोगों के बारे में गलत राय मत दीजिए. बहुत से लोगों से कंपटीशन जेलसी होती है, वो अपने कंपनी के अलावा जो दूसरी कंपनी बिजनेस में होती है उनकी बुराइयां करते फिरते हैं, ऐसा मत कीजिए. या हम मनसब होते तो दूसरों की बुराइयां करते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करने से गुड इंप्रेशन नहीं छोड़ेंगे लोगों पर, बैड इंप्रेशन जाएगा. तो हमने जो पढ़ा इसमें 11वें पॉइंट में, हाउ टू स्किलफुली मेक अ गुड इंप्रेशन, इसमें बहुत अहम की चीजें, बी सिंसियर, शो एंथुसियाज्म, डोंट बी ओवर एंग्जियस, डोंट ट्राई टू बिल्ड योरसेल्फ अप बाय रनिंग अदर पीपल डाउन, एंड डोंट नोक एनीबॉडी और एनीथिंग, ना किसी चीज के बारे में ना किसी शख्स के बारे में गलत राय दीजिए. आप चीज के बारे में मत दीजिए आप कि उनकी चीजें ऐसी है, हमारी चीजें ऐसी है, ऐसा भी नहीं कीजिए, इससे नुकसान होगा आपको. Then point number 12 हमारे पास है, how to skillfully make a talk, कि महारत से गुफ्तगू किस तरह करें, हम महारत कहां से लाएं वो गुफ्तगू करने की. Here are five rules that if you observe them will make you an interesting speaker. यहां पांच रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उनका मुशाहिदा करते हैं उन सारों का, ये आपको बनाएंगे इस काबिल कि आप एक दिलचस्प बोलने वाले हो जाएंगे. दे मेक द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्टिंग टॉकर्स एंड अनइंटरेस्टिंग टॉकर्स, और ये वाजे फर्क लाएंगे एक दिलचस्प बोलने वाला और एक दिलचस्प गैर दिलचस्प बोलने वाले के दरमियान. पहला पॉइंट है इसका, नो व्हाट यू वांट टू से, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोलने जा रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, यानी आपके पास मालूमात होनी चाहिए जिस शोबे में आप हैं, जिस चीज की आप बात करने जा रहे हैं. यू मस्ट हैव सम कॉन्क्रीट नॉलेज, सम ऑथेंटिक नॉलेज ऑफ इट. नंबर पॉइंट टू, से इट और सिट डाउन, अगर आपके पास मालूम आते तो खड़े हो जाइए और बोलिए, और अगर नहीं है तो चुपचाप बैठ जाइए. अगर आपके पास मालूम नहीं है तो बढ़ ना आगे, उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन ना दे, बल्कि सिट डाउन, सिट डाउन होना भी एक रिस्पेक्ट है आपकी. नंबर थ्री, लुक एट द ऑडियंस व्हाइल यू टॉक, लोगों की तरफ देखते हुए गुफ्तगू कीजिए, लोगों देखें और फिर गुफ्तगू करें, ये बड़े काम की चीज है. देन नंबर फोर, टॉक अबाउट व्हाट द ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन, लोग जिसमें दिलचस्पी रखते हैं वो बातें कीजिए, आप जिसमें दिलचस्पी रखते हैं वो बात हरगिज ना कीजिए, लोग जो दिलचस्पी रखते हैं वो बात कीजिए, आपको फायदा होगा. नंबर फाइव है, डोंट ट्राई टू मेक अ स्पीच, गुफ्तगू में तकरीर ना कीजिए कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू में तकरीर हो रही है कि आप क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं, कहां रहते हैं आप, क्यों आए हैं आप यहां, किस लिए आए हैं आप, मकसद क्या है आपके आने का. स्पीच ना दीजिए, स्पीच ना दूसरी, और भाई आप कैसे हैं, कहां से आए, क्यों आए, इस तरह भी ना कीजिए, एक नेचुरल टोन में काम कीजिए. तो ये पांच पॉइंट है, हाउ टू स्किलफुली मेक अ टॉक, कि आप गुफ्तगू किस तरह करें. इन सारे पॉइंट से जो नतीजा निकलता है वो निकलता है कि अगर हम इन सारों को लेके चलते हैं, समझते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है. और फायदा ये होता है इससे कि हम जब लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो उनसे हमारी गुफ्तगू मौसर होती है और लोग हमें पसंद करते हैं, हम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं.